जय श्री कृष्णा। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी और मावा के लड्डू, जो कुकर में बनाए जाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए आधा किलो सूजी रवा जो है, और 250 ग्राम मैंने मावा लिया है, खोया जो ये होममेड मावा है। आधा किलो मैंने शक्कर का बूरा लिया है, आधी कटोरी से थोड़ा कम दूध लिया है आवश्यकता अनुसार, आधी कटोरी से थोड़ी थोड़ा कम मैंने घी लिया है, ये भी आवश्यकता अनुसार, जैसे हमको लड्डू में जरूरत पड़ेगी वैसे हम इसमें डाल देंगे, मतलब आधी कटोरी के लगभग हमें लेना है। कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, किशमिश है, काजू की कतरन है, बादाम की कतरन है, 1 चम्मच पीसी हुई इलायची है, थोड़ी सी हमें केसर लेना है, और ये मैंने फूड कलर लिया है ऑरेंज कलर का। ठीक है, अब मैं इस बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम एक बड़ी थाली के अंदर ये जो सूजी है, ये कच्ची सूजी ही है, इसको ले लूंगी पूरी सूजी को, और ये जो मावा है इसे भी हम इसके अंदर ही मिक्स कर देंगे। मावा और सूजी को हाथों से अच्छे से इस तरीके से बिल्कुल एक सार हो जाए इतना इसे हमें मिक्स करना है। ये देखिए इस तरीके से पूरा सूजी और मावा अच्छे से मिक्स हो जाए, ये इस तरह से घिसते हुए हाथों से बिल्कुल एक सार होने तक सूजी और मावा को मिक्स करना है। ये मावा और सूजी को अच्छे से मिक्स कर दिया है, बिल्कुल भी इसमें गुठली नहीं रखना है, एक सार कर दिया है। उसके बाद मैंने जो कुकर है, जैसे 5 लीटर वाला मेरा कुकर है, उसके अंदर जितना बड़ा डिब्बा हमारा आ जाता है उसके हिसाब से मैंने लंबा वाला डिब्बा भी ले सकते हैं या छोटा, लेकिन वो अच्छा पैक होना चाहिए उसका ढक्कन। तो इस डिब्बे के अंदर मैं ये सूजी और मावा जो हमने मिक्स किया है ये पूरा इसको दबा दबा कर इस डिब्बे के अंदर मैं भर दूंगी। ये मैंने सारा सूजी और मावा का मिक्स इसमें डिब्बे में भर लिया है, इसको अच्छे दबा के। अगर डिब्बा छोटा है या जैसे कुकर छोटा है उसके अंदर ये पूरा इतना मटेरियल हम नहीं रख सकते एक साथ, तो 2 बार भी हम इसे डिब्बे में डाल सकते हैं। ये इस डिब्बे में भर दिया है, इसको अच्छे से पैक, इसमें इस टाइप से हमने इसको अच्छे से पैक कर दिया है। अब मैं कुकर के अंदर इसको रखूंगी। मैंने कुकर लिया है, 5 लीटर वाला कुकर है, इसके अंदर जो मैं हम रोटी रखते हैं वो वाला स्टैंड इसके अंदर रख दूंगी, और इसमें लगभग इतना एक मतलब हमारा स्टैंड तक पानी हो इतना हमें इसमें पानी रखना है। और उसके बाद ये जो डिब्बा है इसको भी मैं इसके अंदर रख दूंगी, ये इस तरीके से डिब्बा डिब्बा पैक ही होना चाहिए ताकि पानी सूजी के अंदर बिल्कुल ना जाए। अब इसको मैं बंद कर दूंगी और इसका गैस ऑन कर दूंगी। गैस ऑन कर दिया है, इसको पैक करके और कम से कम हमें इसे 7 से 8 सीटी आने तक इसको हमें पकाना है। तो 7 से 8 सीटी के लिए 4 सीटी तो हम जो फुल आंच रहती है फुल फ्लेम उसमें रखना है, और 4 सीटी हम बिल्कुल मध्य आंच में लेंगे ताकि अच्छे से सूजी हमारी पक जाए। तेज आंच में 4 सीटी ले ली है कुकर में, अब आंच को बिल्कुल मध्य करके 3 से 4 सीटी अब मध्य आंच में लेनी है। ये कुकर में 4 सीटी फुल आंच में ली है और 3 सीटी कम आंच में ली है। अब मैं इस गैस को बंद कर दूंगी। अब इसको कुकर को ठंडा होने तक हमें छोड़ देना है। 10 मिनट में जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इस डिब्बे को इसमें से निकाल लेंगे। ये कुकर ठंडा हो गया है, 5 से 7 मिनट इसको रख दिया था। अब इसमें से जो डिब्बा है वो मैं निकाल लूंगी। ये डिब्बा बहुत गर्म है, इसको सावधानी से बाहर निकालना है। अब मैं जो ये दूध लिया था इसको आधा कर लूंगी, आधा ही कर दूंगी, आधा इसमें, आधे में मैं इसमें फूड कलर मिला दूंगी थोड़ा सा, ये इतना मैंने फूड कलर इसमें मिला दिया है, और आधे के अंदर मैं केसर मिला दूंगी थोड़ी सी, और ये आधे दूध में मैंने केसर मिला दी है। अब जो डिब्बे में हम ये वाला जो डिब्बा है इसको अभी थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसको खोलकर इसके अंदर मैं निकाल लूं।
मैं ये इसको इसमें निकालूंगी। देखिए इसका कलर भी पूरा चेंज हो चुका है, सूजी का और मावे का अच्छे से पक चुकी है ये। अब इसको मैं मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसको तोड़ लूंगी और इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं रहना चाहिए, थोड़ा गर्म है, इसको फैलाते हुए ये मिक्स कर लिया है। अब जो ये थोड़ी गर्म है इसी के अंदर में ये शक्कर का बुरा मिला दूंगी। ये मैंने इनको मिक्स कर लिया है और कुछ जो बड़े टुकड़े निकलें है ये इस टाइप के, इनको मैं मिक्सर में पीस लूंगी, है ना। ये सब मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, जो कभी अगर बड़े टुकड़ा आप इसको छान भी सकते हैं, अगर कोई बड़ा टुकड़ा रहे जैसे मावा था, अगर वो बंध जाए और आपसे आसानी से नहीं टूटे तो इसको आप मिक्सर में पीस ले। ये एक सार कर लिया है, शक्कर भी इसमें मैंने मिला दी थी गर्म में ही। ये अब इसके अंदर मैं ये सारी चीजें मिक्स कर दूंगी, ये बादाम की कतरन, इलायची पाउडर, किशमिश और काजू की कतरन, ये सभी अच्छे से मिक्स करना है। ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स कर लिए हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब ये गर्म हो तभी इसमें शक्कर मिला दे, ताकि ये आसानी से बंध जाए। इसको अगर ये ठंडा हो भी जाता है तो इसको गैस पे थोड़ा सा गर्म कर ले। अब इसमें जो घी हमने रखा था आधी कटोरी के लगभग, वो मैं इसमें डाल दूंगी। आधी कटोरी काफी है, अगर आप इसको ठंडा करके डालेंगे तो ये घी ज्यादा डालना पड़ेगा इसके अंदर, इसलिए इसको थोड़ा जो मिक्सचर है इसको थोड़ा गर्म ही रखें। इसके अंदर जो मैंने ये दो तरह के दूध हमने किए थे, ये थोड़ा केसर का है आधा दूध, मैं ये डाल दूंगी इसके अंदर, और ये जो फूड कलर वाला दूध था ये भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा ही दूध है, ज्यादा नहीं है, बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। एक सार हो जाना चाहिए, जो ये हमने कलर इसमें डाला है ये पूरी तरीके से सारे मिश्रण में मिल जाना चाहिए। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखो ये देखिए मैंने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है। मेरे ये लड्डू बांधने के लिए सही है मिश्रण, लेकिन यदि आप को लड्डू बांधने में थोड़ी सी जैसे बिखरते हो तो आप उसको हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। इस तरीके से बांध के देख ले, देखिए ये लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बन रहे हैं। ये इस तरीके से बिल्कुल आसानी से लड्डू बंध जाएंगे। इस तरीके से मैं सारे लड्डुओं को बांध लूंगी। आप चाहें तो सिर्फ इसमें केसर भी डाल सकते हैं, लेकिन केसर से इतना तेज कलर इसका नहीं आता, इसलिए मैंने फूड कलर डाला है। अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल आसानी से ये लड्डू बिल्कुल भी नहीं दबाना है, हल्के हल्के हाथों से ये लड्डू इस तरीके से तैयार हो जाएंगे। देखिए ये हमारे कितने स्वादिष्ट लड्डू मावा और सूजी के तैयार हैं। इस विधि से एक बार आप लोग जरूर बनाकर देखिएगा। आशा करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आएंगे और आपके परिवार को भी ये लड्डू बहुत पसंद आएंगे, इसलिए एक बार आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।